नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारायण मीडिया, मैं हूँ राकेश। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जनपद के दुकानदारों आम जनता को चेतावनी देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कड़े आदेश देने पड़ेंगे। वाराणसी से सुनील मिश्रा की रिपोर्ट। शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे हैं या लोग 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको आगाह करना चाहूँगा कि ऐसी जगहें बहुत ज़्यादा असुरक्षित होती हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा संख्या में एक साथ गैदर होते हैं। कुछ ही घंटे में कार्य किया जाता है और मंडी के 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जाती है तो वहाँ से संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। पूर्व में भी ऐसा हो चुका है कि हमें कई मंडियां एक एक सप्ताह के लिए बंद करवानी पड़ी। हम नहीं चाहते कि हमें किसी भी प्रकार से किसी की आर्थिक गतिविधि बंद करनी पड़े या किसी का नुकसान करना पड़े। अतः मैं आपको सचेत करता हूं कि किसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन ना करें, मास्क लगाकर निकलें और तरीके से बोरा एजुकेटेड वे में बहुत ही अच्छे सावधानी पूर्वक अपना काम करें। किसी प्रकार से आपको कोई सामान लेना हो बेहिचक आप लें, लेकिन अपने बारी का इंतजार करें, अपने डिस्टेंस मेंटेन करें। कोई दूसरा भी उल्लंघन कर रहा हो तो उसे भी टोकें। दुकानदार भाइयों से मेरी विशेष अपील है कि आपके मार्केट में आने वाले लोगों को आप स्वयं टोकें। आप कमेटी बनाएं, उस कमेटी के माध्यम से इन्फोर्समेंट करें। रोटेशन में लोगों की समिति बना के उनके माध्यम से इन्फोर्समेंट अगर आप नहीं करेंगे तो आपका मार्केट किसी दिन खतरे में आएगा, वो हॉटस्पॉट बन जाएगा और बाद में 28 दिन तक लॉक हो जाएगा। इससे आपको बाद में आर्थिक नुकसान होगा। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान किसी को झेलना पड़े। इसलिए मेरी ये चेतावनी के साथ साथ हार्दिक अपील भी है कि किसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना करें और किसी प्रकार से बिना मास्क के लिए अपने घर से ना निकलें। मंडियों को सुरक्षित स्थान बनाएं और मंडियों से एक एग्जाम्पल दें कि हम लोग सभी कानूनों का पालन करेंगे, किसी भी प्रकार से कोरोना का संक्रमण नहीं फैलने देंगे।